बात देखी जाए मित्रों, तो यह आप घर पर कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों हाथ सामने की ओर या फोल्ड करते हुए खुले भी रख सकते हैं, सीधे खड़े होकर छाती को थोड़ा बाहर की ओर निकालनी होगी। अब धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ते हुए इस तरह बैठना है जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपने घुटनों को पैरों के पंजों के बराबर ही रखना है। अब धीरे धीरे नीचे झुकना है और तब तक झुकना है जब तक कि हमारे कंधे जांघें जमीन के बराबर ना आ जाए। बॉडी को एकदम टाइट रखना है। अब यहाँ से उठक बैठक शुरू कर देना है। ऊपर आते समय हमें सांस छोड़ना है। ऐसा 10 मिनट तक आप कर सकते हैं या शुरुआत में सिर्फ 10 स्क्वाट ही करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाए संख्या को। प्रॉपर स्टेप्स की बात की जाए तो अपने हेड और चेस्ट को सीधे रखना है। आर्म्स को आप फोल्डेड भी रख सकते हैं, सीध में भी रख सकते हैं। एब्डोमिनल मसल जो कोर मसल है इसे इंगेज कर लेना है। नी को अपने टो के अंदर ही रखना है और फिट शोल्डर अपार्ट रखना है। शोल्डर्स को पीछे की ओर थोड़ा सा खींच के रखना है। अपने स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, सीधे रखना है और हिंजेज हिप्स को बिल्कुल बैठने की मुद्रा में कर लेना है और फिट को फ्लैट फ्लोर पर करना है और दोनों पैरों पर वजन को बराबर रूप से बांटना है। स्क्वाट बहुत ही आसान वर्कआउट है मित्रों। फिट रहने के लिए आप नियमित रूप से वर्कआउट कर सकते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। यह ऐसा वर्कआउट है जिसके जरिए बिना उपकरण के हम अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पर ही कर सकते हैं। यानी हम इससे अपने शरीर की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। इसे आप अवश्य व्यायाम में शामिल करें और फिट रहें। स्क्वाट एक उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस दे सकती है। इससे हमारी मांसपेशियों को टोनिंग मिलती है और हमें अंदर और बाहर से सेहतमंद हमें बना देती है। अपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो यह बेसिक बॉडी वेट स्क्वाट जरूर शुरू कर दीजिए। यह सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं भी इसके फायदों को उठा सकते हैं। मुख्यतः लोअर बॉडी के लिए है। अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए, लाभ की बात की जाए, फिजिक को मजबूत करता है मित्रों। हमारे लोअर पार्ट पैरों को ही नहीं संपूर्ण शरीर को यह मजबूत बनाता है और फिजिक को इम्प्रेसिव बनाता है। फैट बर्नर की तरह भी काम करता है। हार्मोन रिलीज को भी बढ़ाता है। बॉडी में एनाबोलिक हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। तो हमारी बदलती हुई जीवन शैली में शरीर का बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है और यही काम यह स्क्वाट करता है। हमें बैलेंसिंग शरीर को देता है। बैक को भी मजबूती मिलता है। यह एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है। इसके बाद आपको स्फूर्ति, डिप्रेशन सभी खत्म हो जाते हैं। चोट से भी बचाता है मित्रों। अभ्यास से कई लाभ हैं। इसके साथ साथ हमारे मसल डेंसिटी को भी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कैलोरी बर्नर है। इस तरह से कई अनेक फायदे हैं मित्रों। मुझे उम्मीद है यह देखकर आप जरूर अपने व्यायाम श्रृंखला में इसे शामिल करेंगे। प्रिकॉशन की बात की जाए तो हमें अपने घुटने को टो के अंदर ही रखना है। तो ज्यादा पीछे की ओर ना तो आगे की ओर झुकाना है। कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो अगर किन्हीं को नी ऑपरेशन हुआ है, कमर का ऑपरेशन हुआ है, तो इसे नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।